Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am Vajidali Kambo, your chemistry teacher. Student, this one is the last lecture of aldehyde and ketone. In this lecture, we are going to study the acid catalyzed nucleophilic additions of carbonyl compounds and the reduction and oxidation reactions of carbonyl compounds. Let's start from the acid catalyzed nucleophilic addition reactions. We will study three such kind of reactions. We will study the polymerization of aldehyde not ketone we will study the addition of ammonia derivatives we will study the addition of alcohols let's start from polymerization aap polymerization jante hain wo process jisme a large number of monomer they will combine to form a huge molecule a macro molecule that is called polymer and the process called polymerization main polymerization ki baat karu to mere paas ye mere paas ye मेथानल uh, है

ये आपके पास दिस वन इज अक्स मेंबर्ड रिंग सिक्स मेंबर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां पे आप हाइड्रोजन लगा दें ये आप हाइड्रोजन लगा दें यहां पे आप हाइड्रोजन लगा हाइड्रोजन लगा दें ये आपके पास पॉलीमर बना ये पॉलीमर बना दिस वन इज द मोनोमर पोलिमराइजेशन के बाद दिस वन इज द पोलीमर अब ये जो पॉलीमर बना इसके नाम हम इसे कहते हैं कि दिस इज मेटा मेटा फॉरमेल्डिहाइड मैट यह याद रखना है मैटाफोमेल्डीहाइड दिस वन इज ऑल्सो कार्ड ट्राई ट्राई ऑक्सिन ट्राई ऑक्सिन इसका एक और भी नाम है दिस वन इज कार्ड ट्राई ट्राई ऑक्सी ए वन टू थ्री ट्राई ऑक्सी मैथलीन मैथलीन दिस वन इज द ट्राइमर ये ये क्या है ये ट्राइमर है ट्राइमर दिस वन इज दिस वन इज अंबिनेशन ऑफ थ्री मोनोमर्स मोनोमर्स थ्री दिस मोनोम इस बॉलिंग टू डिग्री पॉइंट इस मेल्टिंग पॉइंट इज सिक्सटी टू डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस वन इज दिस वन इज वाइट वाइट सॉलिड ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन नथिंग एल्स मतलब अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि क्या फॉर्मेलिटी आई मीन मैथान इसकी पोलिमराइजेशन से सिर्फ मेटाफॉर्मेलिटी ही बनता है आंसर है नो वी हैव अब है सेंटेंस पे गौर किए थे kind of आप कंडीशन चेंज करते जाओगे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पोलिमर बनते जाएंगे फॉर्मेलिटी हाइड यह जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया ये हमारी बुक में है इसमें क्या है इसमें आप फॉर्मेलिटी हाइट को गैस्ट्रोस फॉर्म में लेते हैं और उसको स्टैंड रखते हैं कुछ देर के लिए वो पोलिमराइज होकर उसके मालिक्यूल आपके पास मेटा फॉर्मेलिटी हाइट बनता है मैं बढ़ता हूं द सेकंड मेंबर सेकेंड मेंल फैमिली दैट इज एसटी मैं इसी में ही चेंजेस करूंगा मैं मैं यहां पर सी लेता हूं सी एच थ्री थ्री मॉलिक्यूल ऑफ नाउ दिस इज नॉट मेथोनॉल दिस वन इज एथोनॉल एथनल दिस वन इज एसिटलडिहाइड आप एसिटलडिहाइड की पॉलीमराइजेशन करवाएं जहां पे CH है यहां पे CH3 करते जाओ अब आपके पास ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड नहीं ये क्या है दिस वन इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड पैराल्डिहाइड 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 दिस वन इज आल्सो अ ट्राइमर. ये भी ट्राइमर है मैं इसका नाम क्या है दिस इज कॉल्ड एथानल ट्राइमर एथानल ट्राइमर इसका यूज क्या है दिस वन इज यूज एज क्या किसके तौर पर यूज होता है ये हेपनोटिक ड्रग के तौर पर दिस वन इज यूज एज हेपनोटिक नॉटिक ड्रग ये हेपनोटिक ड्रग क्या होती है ऐसी ड्रग्स जो स्लीप इंड्यूस करती है जो लेके आप मधोशी था गई आप सो गए

वन वन टू ये इसको भी शामिल टू एंड दिस वन इज वन टू टू एंड दिस वन इज थ्री ये तीन ऐसे कर दिया अब चार है वन दिस वन वन टू थ्री एंड दिस वन इज फोर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं यूं भी लिख सकता हूं ना सी एच थ्री सी एच ओ टेकन फोर और इस फोर की जगह पे अगर मैं थ्री लिखूं तो वो फिर पेरेडियन बैर ये आपके पास एक प्रॉब्लम ये क्या है ये एथनल टेट्रामर है टेट्रामर दिस इज दिस इज दिस इज एथनल एथनल टेट्रामर इसका इस्तेमाल क्या है इसका इस्तेमाल क्या था पेरेडियन का यूज क्या बताया हेप्रोटिक डब दिस वन इज यूज एज स्लग स्लग पॉइजन स्लग पॉइजन ये स्नेल वगैरह उसको तो ये स्लग पॉइजन के तौर पर यूज होता है Student, ये जो पोलिमराइजेशन की बात की ना मैंने फोमलडीहाइड को लिया मैंने फिर उसके बाद एसेटल्डीहाइड को लिया तीन मालिक्यूल चार मालिक्यूल तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कार्बनल कंपाउंड में अल्डीहाइड की पोलिमराइजेशन होती है कीटोन की पोलिमराइजेशन नहीं होती यहां पर आप लोग में रखेंगे कि कीटोन कीटोन्स डू नॉट अंडर गो पोलिमराइजेशन कीटोन्स की पोलिमराइजेशन नहीं होती आगे बढ़ो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव दूसरा रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया डेरीवेटिव क्या है समझना होगा सिक्स अमोनिया डेरिवेटिव है हमारे पास अच्छा इसमें इसमें देखें मेरे पास ये अमोनिया एन एच थ्री एनएच थ्री अब मैं काम क्या कर रहा हूं मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं कोई ग्रुप ले आता हूं ये एनएच टू एन एच टू एनएच टू एन एच टू एन एच टू एन एच टू एन एच टू मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे ओच लिया नाउ दिस इज कार्ड दिस वन इज कार्ड दिस वन इज कार्ड हाइड्रोक्सल अमाइन हाइड्रॉक्सल अमाइन कुछ लोग कहते हैं कंपाउंड। अच्छा मैं की जगह पे एन एच टू लिया इज लिख सकते नाइड्रोजन एन टू और चार हाइड्रोजन एच फोर एन टू एच फोर भी लिख सकते आप इसको मजीद शॉर्ट करें एन टू एच फोर दिस वन इज इस हाइड्रासी इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया जाता है अब आगे आ जाए अगर आप इतना देखेंगे इतना अगर मैं यहाँ टू लगा दो, एन एच टू एन एच टू हो गया ये वाला क्या अब नाम क्या बन गया फीनायल। फीनायल और एक और भी काम देखें। ये मैंने इतना ना ये, ये इतना ये एन एच टू और ये जो मैंने दिया ना सारे का सारा ये यूरिया का मालिकूल है सी डबल बो एन एच टू एन एच टू वो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ा ना क्योंकि वो बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ करनी तो अगर आप एन एच टू हाइड्रोजन की जगह पे यूरिया का लाएं, सेमी कार्बेजाइड एक और भी ले एक और भी ले रहे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है आप इस हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लाएंगे देखो एन एच टू एन एच और आप इसकी जगह पे ये ले ये। नाम क्या है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये ये नंबर टू पे है ये नंबर फोर पे है टू फोर डाई फिनाइल हाइड्रोजीन टू फोर डाइ नाइट्रो फीनाइल हाइड्रोजीन टू फोर डी एन पी एच इनको मैंने ये जो आपके सामने लिखा है

ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव इसके दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां ओएच, OH, आपके पास ये बना दिस वन रिएक्शन इंटरमीडिएट ये रिएक्शन इसका नाम क्या इस इस अल्कोहल इतना हिस्सा ना ये वाला ये अमाइनो और ओ एच OH की मौजूदगी की वजह से अल्कोहल अब ये एच और ओ OH, कार्बन से ओ OH, नाइट्रोजन से एच यह रिमूवल यानी माइनस

Uh, तीन चार बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं पहली बात ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा ना दिस वन इज कंडेंसेशन रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कंडक्शन कहां पे नजर आ रही है कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म विद और विद आउट द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इन दिस केस अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड

तो मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होता है तो कार्बन जहां पर इलिमिनेशन होगी वाटर मार्क्यूलिनेशन और सिंगल बाउंड किसमें कन्वर्ट हुआ डबल बाउंड ये याद रखना है जहां इलिमिनेशन होगी वहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है तीसरी बात तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है इंटरमीडिएट बेटा जी इसमें जो इंटरमीडिएट है ना वो आपके पास ये है अमाइनो अल्कोहल ये अमाइनो अमाइनो अल्कोहल अल्कोहल जो है ना amino alcohol, ये बतौर इंटरमीडिएट एक्ट करता है और ये तो बातें आपको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है रिवर्सिबल है रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एसिड कैटालाइज्ड है एसिड कैटालाइज्ड ये कुछ बातें आपने याद ये एंटी टेस्ट है ये फैसी नहीं है ये एंटी टेस्ट है बातों को याद रखना है क्या क्या हमें इसमें पता होनी चाहिए अब नेक्स्ट मैं ना यहां पे कार्बन कंपाउंड लेता हूं। कोई भी ले लें आप एलडी हार्ट में से कोई ले लें फॉर्म एल्डी हार्ट ऐसे कोई भी कीटोन में से कोई भी ले लें फॉर सपोज मैं मैं एसेट हार्ड लेता हूं दिस वन इज एसे हाँ। जहां भी ये एच सी एच ये एच सी ये एच एच सी अब मैं एक काम करता हूं मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद कर रहा हूं स्टूडेंट्स अगर यहां में ओ एच लू डेरिवेटिव दिसमोड हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल जब हाइड्रोक्सलमाइन का आप कार्बन कंपाउंड से रिएक्शन करवाएं आपके पास ये प्रोडक्ट सिर्फ आपने जी की जगह पे ओ एच लगा देना मैंने लगा दिया द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑक्साइम, ओ एक्स आई एम ई मैंने ये लफ्ज़ आपको याद करवाया. है ऑक्साइम. ये यह का एथनल है तो दिस इज ऑक्साइम. द प्रोडक्ट इज एथानल, एथानल ऑक्साइन मैंने एंटी टेस्ट का लफ्ज़ क्या याद करवाया आपको ऑक्साइन जब आपके पास हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑक्जाइन गलत आप एक और काम करो आप यहां पर एनएच ले लो एन एच टू ना दिस इज हाइड्राजीन यहां ओ एच की जगह पे एन एच टू लिखो ना दिस इज कार्ड हाइड्रा हाइड्राजोन हम इसे हाइड्रासोन कहते हैं दिस इज एथान एथनल हाइड्रासोन इस तरह आप यहां पर फिनाइल हाइड्रासन दे दें द प्रोडक्ट विल बी एथनल फिनाइल हाइड्राजोन जीन जीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है जोन हुआ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप यहां पे ना टू फोर डी एन पी एच ले ले ये मैं पीछे अभी आपको पढ़ा क्या डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसिन वो ले लो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओ एच की जगह पे ये ये प्रोडक्ट आपके पास था अब ये क्या है ये प्रोडक्ट जो बना ये प्रोडक्ट का नाम क्या है एथनल टू फोर डाइ डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन दिस प्रोडक्ट इज हाइड्रा जोन याद क्या रखना है याद बहुत खूबसूरत बातें लिखती है अगर आप पीटीबी बुक को देखें तो वो कहती है कि ये जो आपके पास बना है ना ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये ये येलो और रेड पीपीटी बनते हैं पहली ये बात मेरी एक और जगह पे वो कहता है कि ये ना ये येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरे अल्फाज को वेटेज दीजिएगा स्टूडेंट्स. ये ना पूछा जा चुका है पहले पूछा जा चुका है ये. अगर पीपीटी की बात करेंगे येलो और रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे येलो और ऑरेंज ये बना अब ये जो ऊपर आपके पास बना ना एथनॉल ऑग्जाइम हाइड्रोजोन वगैरह ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं. लेकिन चूंकि हमारे बुक में इसका कोई तस्करा नहीं है जिक्र नहीं है मैं इनको साइड पर करता हूं मैं कहता हूं कि आप इसको याद करेंगे तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट क्या बना यानी दिस इज टू ट, एथनल टू फोर टू फोर डी डी एन पी एच को मैं लिखूंगा वैसे तो एच ही लिखना हाइड्रा हाइड्रा जोन और याद क्या करना है कि डीजर येलो और रेड रेड पीपीटी थी, और डीजर एक और भी लफज हम इसको यूज करते हैं ना तो इसको कहते हैं ब्रेडी बी आर ए डी वाई ब्रेडी ब्रेडी रियर डी एन पी एच कॉल्ड ब्रेडी रियजेंट तो जब कार्बन कंपाउंड ब्रेडी डी डी से रिएक्ट करते हैं ब्रेडी रिएजेंट तो हमारे पास येलो रेड पीपीटी येलो और ऑरेंज बनता है ये आपने क्या नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑफ अल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अल्कोहल जितना कुछ बुक्स में लिखा हुआ है मैं उससे बाहर नहीं जा सकता मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता मैं वही बातें बताऊंगा वही याद करने के जो आपकी जरूरत है जितना मैक्सिमम हो सकता वो हम लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे इलम्ब की कोई हद ही नहीं होती केमिस्ट्री की तो कोई हद ही कोई आप एक लफज पकड़ लें आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन का लफज ही पकड़ लें आप सारी जिंदगी उस पर आप लिख सकते हैं आप बात कर सकते हैं लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं इसलिए हमें ना बड़ा लिमिटाइज होना पड़ता मेरे पास ये है ये आपके पास जो अल्डीहाइड है इसका नाम मैं मैं नाम लिखूंगा दिस इज एस आई मीन दिस इज एथान ये मेरे पास अल्कोहल दिस इज एथानोल अल्कोहल है इनका रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच ड्राई वाटर नहीं होना चाहिए अगर वाटर होगा प्रोडक्ट ही और बन जाएगा अब आपके पास ये जब रिएक्शन हुआ जब अल्डिहाइड का अल्डिहाइड में जब अल्कोहल को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच सी एल डाई एसिड आपके पास जो प्रोडक्ट बन प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ओ सी टू प्रोडक्ट आपके पास बन ओ सी टू ये प्रोडक्ट बना पहले तो हम इसको ही डिस्कस करते हैं बेटे जी दिस वन इज एसीटल एसिटल एसीटल एसीटल एसी क्या होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एस पी थ्री हाइड्रोडाइज कार्बन उस पर दो एल्कॉक्सी ग्रुप हो इसे कहते हैं ये जो ग्रुप है ना एल्कोक्सी। और चूंकि यहां पे एल्क एथ है इथाइल है इन विच टू एलकॉक्सी ग्रुप टू इसको हम कहते हैं एसिड एसिड इज हाइली स्टेबल कंपाउंड ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ये आम ये जो बेसिक रिएज वगैरह ना खासतौर बेसिक ऑक्सीडाइजिंग बेसिक एसिडिक ना बेसिक बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जबकि बेसिक ऑक्सीडाइजिंग बुनियादी एमसीक्यू बुनियादी मकसद है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है ये सी एच ओ ग्रुप है किससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मैं बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिडिक नहीं बेसिक बेसिक क्या करता है बेसिक इससे ये हाइड्रोजन कर लेता तो वो जो है, वो इसको यहां से करता है और यूं ये सी एच ओ ग्रुप डेस्ट्रॉय कर देता आप चाहते हैं कि इसको महफूज रखा जाए आप फंक्शनल ग्रुप की प्रोटक्शन करना चाहते हैं आप इसको एसिटल इज रेजिस्टेंट टू बेसिक कंडीशंस मैं मैं बेसिक भाई बे एसिडिक कंडीशन की बात ही एसिडिक तो उसको दोबारा इसमें कन्वर्ट मैं बेसिक कंडीशन की बात तो ये इसका नाम क्या है इसको हम कहते हैं ये आयोपिक नेम ये कार्बन नंबर वन ये कार्बन नंबर टू टू कार्बन है इथेन और यहां पे ये टू तो वन 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 डाई डाई इथोक्सी इथेन इथेन स्टूडेंट दिस वन इज आल्सो जेमिनल मैं एम जैमिनल डाई एलकॉक्सी जैमिनल जैमिनल मीन एक ही कार्बन पर दोनों एल्कॉक्सिक रोक लगे हो दिस इज स्टेबल 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 अल्केलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बार बार कह रहा हूं हां एसिडिक होगा तो वो तो दिस वन इज एसिटॉल बट इट शुड बी कैप्टन माइंड एंड थोड़ा सा थोड़ा सा एंटीट है थोड़ा सा आगे बढ़े क्या ये एसिटल डी हाइड अल्कोहल से रिएक्शन करके डायरेक्ट एसिटल बनाता आंसर है नो नहीं पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा ये फिर होता क्या हाइड में पहले एक मालिकूल सी टू एच फाइव ओ एच अल्कोहल का एक मालिकूल इसके साथ रिएक्शन करेगा इधर आ जाएगा ओ एच OH, इधर आ जाएगा ओ सी टू एच फाइव ये क्या है दिस इज हेमी हैमी एसिटल वाट इज द डिफर अच्छा ये जो हैमी एसिटल है ये मजीद एक और सी टू फाइव एक और इथाइल मालिक्यूल के साथ एक्शन करें और आपके पास एसल इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहला डिफरेंस अगर एस पी थ्री कार्बन के साथ दो एल्कोक्सी ग्रुप लगे हों तो वो एसीटल अगर एक एल्कोक्सी ग्रुप हो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हो तो दिस इज हैमी एसिटल हैमी ये एसिटल ये हैमी मीन आधा हाफ ये हाफ एसिटल है ये एच यहां से ये एच ओ के साथ मिला वाटर बन गया यहां से वाटर इलिमिनेट होगा और ये C2 इसके साथ आता है अब ये याद रखना कि इसके साथ वाटर भी बनता है और वाटर आपको फॉरन इलिमिनेट करवाना पड़ता है फॉरन बाहर से निकालना पड़ता है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जैसे जैसे वाटर मूव करवाते हैं ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है ये हमारे पास था एडिशनल अब एक और बात जो हमारी बुक कह रही है हमारी बुक कहती है कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल अंडर सच कंडीशन यानी कीटोन इन कंडीशन के, के तहत अल्कोहल ये दो, दो बातें मैं आखिर करता हूं एक बात मैं करता हूं कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट सच कंडीशन असल में ना होता भला क्या है कीटोन में ना सी bond सी एंड सी दोनों तरफ कार्बन है कोई हाइड्रोजन नहीं है लिहाजा जो बेसिक कंडीशन है वो हाइड्रोजन को एबस्ट्रैक्ट करती है वो इन कार्बन का ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ग्रुप है और बेसिक कंडीशन इनका इस, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे काम का मकसद क्या है सारे काम का मकसद है कि आपने एसेट एल्डीहाइड पर पेर किया आप चाहते हैं कि मैं एसेट एल्डीहाइड को एक लंबे अरसे तक महफूज कर लू स्टोर कर लू लेकिन आपको ये खतरा भी है कि कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग आके इस डीहाइड को डिकम्पोज कर देगा तो आप क्या काम करें आप उस अल्डीहाइड को अल्कोहल से रिएक्शन करवा के एसीटल की फॉर्म में ले जाएं। जब ये एसिटल की फॉर्म में जाएगा अब ये सेफ हो जाएगा अब ये स्टेबल होने की वजह से अब यह लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं अगर आपको दोबारा जरूरत पड़ी है कि आप उस एसिटल को दोबारा इसमें कन्वर्ट करें वेरी सिंपल आप उस एसिटल की एसिड करवाएं मैंने क्या क्या कहा आप उसके क्या करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस पर ये एसिटल इट विल कन्वर्ट बैक इनटू एल्डिहाइड ये उसमें कन्वर्ट हो गया ये आखिरी बात थी ये था हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल्स अब हम बढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की तरफ

एक बात बड़े बड़े काम की बात अगर आप एसेड्स की आई मीन कार्बोक्सिक कार्बोक्सिक अगर आप की रिडक्शन करेंगे तो कार्बन कंपाउंड बनेंगे अगर आप कार्बन कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा अगर आप अल्कोहल्स की रिडक्शन करेंगे तो बनेगा ये एक तरतीब आपको आनी चाहिए मैं एक और भी बात आपको बताता चलू अगर आप अगर आप ये पहले मैं कर चुका हूं अगर आप साइनाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा और अगर आप आईसोसाइन की रिडक्शन करेंगे तो, बनेगा। ये तो मैं सारी बता रहा हूं अगर आप डबल तो बाउंड, बाउंड की करेंगे, पहले फिर सिंगल बाउंड बनेगा। ये सारी, सारी बातें आपको आनी चाहिए ये जो तो मैं बोलता हूं ना अगर मैं यहां ना भी लिखू ना तो आपने अपने नोट्स में इसको राइट डाउन करना है ये आपके जो नोट्स है ना वो बनते जाने चाहिए ये जो शासन में बातें बोलता हूं अब मैं इसी बात को एक और तरह भी एलेबोरेट करता हूं मेरे पास ये कार्बन ये एसड है एसड है सी आर सी डबल वन ओ दिस वन इज एसड कार्बोक्सिक एसड अब आप इसकी रिडक्शन कर रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ऐड हुआ ये एच टू ये मिलके क्या बन गया ये बन गया वाटर अब ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है अब ये ओएच हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा जब ये हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये हाइड्रोजन आ गया नाउ दिस इज एल डी हाइड यू हैव द कार्बन कंपाउंड आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन रिडक्शन इट गिव्स द एल्डिहाइड अब इसकी रिडक्शन करवाएं अब जब आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे ना तो ये एच एच से मिला निकल गया अब ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ मिल गया तो आपके पास ना ये या आप यूं करें ना ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन सा के कार्बन के साथ ये सी एच टू बन गया और फिर ये 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 हाइड्रोजन ये वाला ये हाइड्रोजन ये वाला और ये हाइड्रोजन के साथ ये बन गया तो जब आप इसके रिडक्शन करवाते यू हैव द अल्कोहल्स अब अल्कोहल की रिडक्शन करवाएच टू एडिशन हाइड्रोजन ये एडिशन हुई यहां से बाउंड टूटा ये दोनों मिले आपके पास क्या बना वाटर

उससे अल्कोहल बनाना इसकी तरफ जा रहा हूं और अल्कोहल से फर्दर ना अल्केन्स की तरफ ये बात करना चाहता हूं छह बातें करूंगा आपके साथ पहली बात क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन आपने अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ किशनर रिडक्शन दो किस्म के रिडक्शन से अल्केन की प्रेपरेशन पड़ी है आपके पास अब है क्या है भी क्या आपने ये कार्बन कंपाउंड के मे बी अल्डिहाइड और कीटोन Reduction mean addition of hydrogen. अब आपके पास कितने hydrogen है? मेरे पास यहां पे चार हाइड्रोजन है चार दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिले CH2 बना. दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले तो एच टू बना और यू ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये सी एच टू ग्रुप में कन्वर्ट हो गया अब क्लेमेंसन तो बड़ी अहम बातें. मैं तो सिर्फ दो दो पॉइंट ही समझाऊंगा आपको बाकी आपने पढ़ा हुआ है क्लेमेंशन नंबर वन वाला क्लेमेंशन तब होगा जब आप एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे यानी आप जिंक अमलगम एंड एच अगर आप इन कंडीशन के तहत रिएक्शन करवाएं तो दिस तो रिडक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंशन रिडक्शन लेकिन अगर आप अगर आप हाइड्राजीन एन टू एच फोर के ओ अपॉन हीटिंग यानी अपॉन टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बेसिक कंडीशन रिडक्शन ये पहली बात यानी आपने कंडीशंस को देखना है कंडीशन एसडिक कंडीशन क्लेम एंसर रिडक्शन बेसिक कंडीशन वूल फिशनर एक और अहम बात और वो क्या ये जो एसेडिक कंडीशन है ना आमतौर पर कहा जाता है कि ये जो कीटोन्स है ना कीटोन्स कीटोन्स अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएं तो बेटर है आप क्लेम एंसर रिडक्शन लें और अगर आप अल्डी की रिडक्शन करवाएं तो बेटर है आप वोल्फ किस्टन रिडक्शन इसको यूज करें ये मैं बेटर की बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट क्या दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अगर आप अल्डी हाइड लेते हैं यहां एच होगा यहां आर है अल्डी हाइड की सूरत में अगर आप अल्डीहाइड लेंगे तो ये जो ये जो कार्बन ये ये जो इतना ग्रुप है ये वाला इट विल कन्वर्ट्स इन टू सी एच थ्री देखो ना चार हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएंगे हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास पहले ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है तो यू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी थ्री यानी बात क्या है अगर आप एल हाइड लेंगे ए एल हाइड तो उस सूरत में यो क्या होगा कि ये जो सी एच ओ ग्रुप है इस सारे को मैं क्या कहता हूं सी ग्रुप इट विल कन्वर्ट इन टू इट विल कन्वर्ट इन मिथाइल ग्रुप मिथाइल मैं चार लफ्ज बोलता हूं आपके साथ मैं बोलता हूं मीथेन सी मिथाइल सी एच थ्री मिथाइलीन सी एच टू मिथाइन सी एच मैं बार बार आपको याद करवाता हूं तो जब आप एल डी हाई इसकी रिडक्शन करवाएं चाहे वो वुल्फ कृष्णल हो चाहे वो क्लेमेंसन हो तो ये सी एच ओ ग्रुप इट विल मिथाइल ग्रुप ये एम सी क्यू है लेकिन इसके बरक्स अगर आप अगर आप कीटोन्स लो कीटोन कीटोन्स की मैं कीटोन्स का पूरा लफज लिखता था और कीटोन में यहां पे क्या होगा यहां पे आर होगा आर तो आर से इसमें ये जो कार्बनल ग्रुप है कीटोन की में ये जो सी ग्रुप है, यानी ये जो चार हाइड्रोजन है इनमें से दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर यहां पे CH2 टू बना देते हैं सी एच टू और फिर इधर भी आर आ जाता है इधर भी आ जाता है आ रा रा यूं आपके पास अल्किन बनता है ये वाला जो है दिस इज कार्ड मिथाइलिन ये तो मैंने आपको क्लेमेंसन और वुल्फ की बात की जिसमें आपने जिसमें आपने कार्बोनल कंपाउंड को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया अल्कीन में लेकिन कार्बोनल कंपाउंड पहले अल्कोल अल्कोहल फिर अल्किन में जाते हैं लेकिन वो इंटरमीडिएट आता है ना तो मैंने डायरेक्ट कार्बोनल कंपाउंड को अल्किन में दूसरी बात रिडक्शन विद सोडियम बोरो बी एच फोर और एल आई एल एच फोर पहले पहले बात ये दोनों क्या चीजें हैं एन so, ए बी एच फोर क्या है ये दोनों हैं क्या स्टूडेंट दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं ना दो तीन बातें आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूं ये वाला जो है ना ये वाला सोड इसका नाम दो तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइट हम आमतौर पर लिथियम एलोमिनियम हाइड्राइड यह आम नाम देखन हम इसको ना आयोपिकली अगर देखें या इसका जो साइंटिफिक नेम है सोडियम टेट्रा मैंने क्या बोला सोडियम सोडियम हाइड्रिडो हाइड्रीडो बोरेट अच्छा जरा कोशिश करो इसका नाम क्या बनेगा लिथियम टेट्रा हाइड्रीडो एलुमिनेट ये ये आप यहां पे नाम लिखोगे लिथियम टेट्राहाइड्रोड दूसरी बात दिस वन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट इसमें खुद ही लिखोगे वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉग रेड अगली बात तो सोने पे स्वाग आएगा और वो क्या ये वाला जो तेनालीसिस कार्बोनिल ग्रुप ये दिस वन इज इट सेलेक्टिव रिडक्शन अगर ये लफा याद हो जाए अल्लाह करे आपको याद हो ये मैंने कहा सोडियम बोरोहाइड्राइट ये सेलेक्टिव रिडक्शन करवाता है रिडक्शन ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल में mm कन्वर्ट -hmm. करेगा लेकिन ये लिथियम यह ये, ये कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है ये ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है दिस वन इज नॉट सेलेक्टिव ये सेलेक्टिव रिडक्शन नहीं करता चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट ये है कि ये जो सोडियम जब अलग होता है ना ये फिर बी एच फोर माइनस बनता है टेट्राहाइड्रीडोबोरेट आइन टेट्राहाइड्रो इसमें भी ये लिथियम आइन जब अलग होगा तो ये बन जाएगा क्या बोला एल एच फोर माइनस वन टेट्राहाइड्रीडो एलोमिनिएट आइन ये जो आइनस बनते हैं ना ये, ये दोनों ये ने, दे एज न्यूक्लियोफाइल और वो हाइड्राइड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में होता होता है, होता है, और उसके एडिशन की वजह से वो रिडक्शन हाइड्रोजन कार्ड रिडक्शन तो ये दो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है चार चार बातें दोनों के बारे में अब होता है अगल, अगले पॉइंट पे जाओ स्टूडेंट हम ना हमने क्या बोला कहा हमने कहा कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है यह आम सी बात होगी अब जरा इसको स्पेसिफिक करो ये मेरे पास कौन सा कार्बोन कंपाउंड यह एलडी हाइड है यह एल्डिहाइड है एल्डीहाइड बेटा जी जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं ना तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है यह क्या है यह कीटोन है यह कीटोन है जब आप कीटोन की रिडक्शन करवाते कर हैं आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है यह बात

या लिथियम एलोमिनियम हाइड्राइड अब नंबर फोर कैटेटिक रिडक्शन ये कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन एडिशन रिडक्शन हो रही इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैपिटलम दैट मे बी प्लैटिनम दैट मे बी दैट मे बी निकल इनको आप यूज करके और आपके पास वो अल्कोहल बनेगा और वो आप जानते हैं अगर एल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा स्टूडेंट ऑफ नकबर्ट ये ना इतनी बातें जो मैंने आपको बता रहा हूं ना ये पीटीबी और फेडरल दोनों में है और बाकी बुक्स में भी है लेकिन ये वाली जो बात है ना इसको आपने खास तौर पे याद रखना है ये पंजाब टेक्स बुक बोर्ड वाले खास तौर पर इसको जरा देखिएगा नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल कार्बनिक कंपाउंड ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है मैं इसको लिखता हूं दिस इज वन डिग्री अमाइन प्राइमरी अमाइन इसको आप एड करवाए होगा बला क्या एच टू इस ऑक्सीजन को लेगा वाटर बना माइनस एच टू ओ हो गया अब यही नाइट्रोजन यहां आ जाएगा तो सी डबल बॉन्ड एन आर हो गया इसको उलट करके यहां लगा दे आपके पास व्हाट इज दिस दिस वन इज आई एम आई एन ई अमीन दिस वन इज आल्सो द दिस वन इज आल्सो द रिडक्शन ये भी रिडक्शन है अब इधर आ जाओ ऑक्सीजन न्यूक्लियर ये था नाइट्रोजन न्यूक्लियर जिसमें आपने प्राइमरी अमीन को इंट्रोड्यूस करवाया ये ऑक्सीजन न्यूक्लियर जिसमें आप वाटर का रिएक्शन करवाएंगे जब वाटर का रिएक्शन करवाती है ना वाटर में क्या है वाटर में हमारे पास एच है वाटर में हमारे पास ओ है वो ये एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो गया ओ बन गया और दूसरा ये ओ इस कार्बन के साथ अब ये प्रोडक्ट आपके पास बना इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं

कार्बन कंपाउंड में अल्डीहाइड्स में ऐड करें तो ड्राई एच सी एल यूज करना रहे वहां वाटर नहीं होना चाहिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और जो वाटर प्रोड्यूस हो उसको फौरन वहां से रिमूव करवाएं क्योंकि अगर वाटर होगा वो वाटर खुद इसमें ऐड हो जाएगा और जब वाटर ऐड हो जाएगा तो फिर तो आपके पास डायोल बन जाएगा ना फिर आपके पास एसिटल तो बनेगा ही नहीं लिहाजा जब आप अल्कोहल को ऐड करवाने वाले तो फिर आप ड्राई एच सी एल वहां पर मॉइस्चर फ्री अल्कोहल ये वाटर फ्री

जब कार्बन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास सकते हैं अब फार भी नहीं जो हमें चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइज आपको आने चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग सोलूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेरेटिक सोल्यूशन माइल्ड ऑक्सीड और कुछ कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं डायल्यूट डायल्यूट एच एन ओ थ्री इज ऑल्सो मार्ड डायल्यूट कंसेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग डायल्यूट मार्ड कुछ लोग कहते हैं मैंने उनकी बात आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड एसिडिफाइड भी ठीक है अलकेलाइन भी ठीक है आपके पास एसिडिफाइड केमनो फोर एसिडिफाइड भी ठीक है अल्कलाइन भी ठीक है दोनों 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 ही चलेंगे ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसे डिफाइंड पोटाशियम डाइक्रोमेट ये येलो कलर का होता है और ये जो गेमोफोर ये आप जानते हैं पर्पल कलर का है इस ये ऑक्सीडेशन के बाद इसका कलर ग्रीन हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद इसका पल कर, पर, पर, पर्पल कलर जो है वो कलर लेस हो जाता है और ये कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अब असल काम की तरफ स्टूडेंट मैंने ये आपके सामने ना मैंने आपके सामने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखे ये मैंने लिखा मैंने फॉर्म ये हाइट आई मीन मैथान फॉर्मेलिडी हाइट मैं मैथानल कहूंगा दिस वन इज एल्डिहाइड्स अदर देन मैथानल ये एल्डिहाइड्स हैं, है aldehydes. ये मैंने ना कीटोन लिए दो किस्म के अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स तो हम कहते हैं सिमिट्रिकल कीटोन जैसे कि दिस कार्बोन ग्रुप के दोनों तरफ अनईक्वल ग्रुप ग्रुप मैंने ना आपके सामने दिया अब हम इन सब की ऑक्सीडेशन करना चाहते अब जरा बड़ी तोज्जा चाहिए कुछ देर के लिए बड़ी चाहिए मैं इनकी ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं मैं यूज करूंगा ऑक्सीडाइजिंग ये करूं या ये करूं अभी हम फैसला कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग ड ना ऑक्सीडाइजिंग डंड स्टूडेंट ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं आपको टोटका दे रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग दो काम करता है एक तो वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है और फिर वो कार्बोनिल ग्रुप ये इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है अब ये बॉन्ड अगर बनना है ना तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये तोड़ना पड़ेगा या कार ये बड़ा बड़ा। ये दोनों तरफ कार्बन यानी हमें यहां पे इस केस में कार्बन हाइड्रोजन इसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना होता है दूसरी तरफ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है एक वास्ता पड़ गया कार्बन कार्बन बॉन्ड से इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये कार ने यह यह कर ले या यह करें अब इसमें आए इसमें कार्बन कार्बन बाउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बाउंड अब अब पहले ना आप इसकी बात करें स्टूडेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन कार्बन बाउंड इस कार्बन इस कार्बन की जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है इसकी ऑक्सीडेशन आसान है और वो कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल आप सिर्फ एक बात मेरी में बिठा लेना सिर्फ एक बात के के क्वेश्चन में रख लो किस किस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी किस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी यह लफ्ज़ अगर आप जेन में बिठा लो ना वो कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड है उसकी ऑक्सीडेशन आसान है यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाना आसान है वो कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्डेड है उस कार्बन के ऑक्सीडेशन मुश्किल है इसका मतलब है कि इसके ऑक्सीडेशन आसान होगी और इसके ऑक्सीडेशन कदर मुश्किल होगी आप इस ऑक्सीजन को यहां इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके पास ये एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये बन गया ये मैथानल है ये मेथानोइक एसिड है अगर आप यू नहीं कह सकते यू कह सकते ये फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी हाइड है ये फॉर्मिक एसिड है फॉर्मिक एसिड अब दूसरी तरफ आ जाओ ये आपके पास अदर देन इसमें एक तरफ तो ठीक है कार्बन कार्बन है जिसके ऑक्सीडेशन आसान है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन तो कार्बन है इसका मतलब है कि इस केस में ऑक्सीडेशन कदरें मुश, कदरें मुश्किल हो जाएगी लेकिन जब ये ऑक्सीजन यहां इंट्रोड्यूस होगा तो आपके पास ये मैं मैं सारे को आर कह देता हूं तो आपके पास ये आर सी डबल ओ एच ये आपके पास कार्बोक्सिक एसिड बनेगा कार्बोक्सिक एसिड अभी तक जो बात आई ना वो ये है बात आई जो ये है कि अमंगल्टीहाइड फॉर्मेलिटीहाइड इजिली ऑक्सीडाइज और अदर अल्टीहाइड वो ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन थोड़े ऐसा मुश्किल है जिसकी ऑक्सीडेशन आसान होती है इसमें वो हाईली रिएक्टिव है तो फॉर्मेलिटीहाइड इज इस... टिव अल्डीहाइड बाकी उसकी निस्बत कम है अब इनकी तरफ आ जाओ इनमें प्रॉब्लम क्या है इनमें प्रॉब्लम यह है कि इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड और मैन कहा कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल कर है इसका मतलब है कीटोन की ऑक्सीडेशन कीटोन्स की ऑक्सीडेशन अल्टीहाइड की निस्बत मुश्किल है अगर आप ना वैसे जनरल बात करें जनरल बात हम करेंगे कि जो अल्डीहाइड्स है ना अल्डीहाइड्स इनकी ऑक्सीडेशन कीटोन से आसान है है। है, है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो को ये, आ, ये, आ, ये है। ये को करेंगे। ये कीटोन को करेंगे, करेंगे, लेकिन लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है जो मुश्किल है और यह इनके बस की बात नहीं है तो इसका मतलब है ये ये बात में, में रख रही अब दूसरी तरफ, वो वो तो strong, वो तो है है हर एक को करते जाएंगे। ये पहला point है जो आपने जेन में बिठाना। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट बड़ा खूबसूरत है और वो क्या है वो है कि आपके पास दो तरह के की हैं। एक सिमेट्रिकल और एक अनिट्रिकल अब देखें

C डबल बाड ओ एच प्लस और ये अकेला ये एच सी डबल बाड ओ एच इसका मतलब है जब मैं एसिटोन दिस वन इज एसिटोन दिस इज प्रोपानो जब मैं एसीटोन इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो मेरे पास अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिक एसिड दो किस्म के कार्बोक्सिक एसिड दिस वन इज कार्ड एसिटिक एसिड दिस वन इज कार्ड फॉर्मिक एसिड

जिस किसको पहले प्रेफरेंशियली किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए तो वो कार्बन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे इस कार्बन, ये ये, कार्बन, कार्बन, तो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है आप इसको मुख्तलिफ शर्जी आप ध्यान कर ले इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोज का मतलब है कि ये वाला बाउंड ब्रेक होगा ये ये कार्बन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है और कार्बोनिल ग्रुप किसके पास जाएगा कार्बोनिल तो ग्रुप समाल अल्काइल चेन के पास जाएगा इधर दो कार्बन वाली चेन इधर एक कार्बन वाली चेन तो कार्बोनिल ग्रुप समाल अल्काइल चीन के पास जाएगा इसका मतलब है तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल बाडो ये बना सी एच थ्री सी डबल सर। ये क्या बना सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी डबल बाडोच ये भी आपके पास यही बना इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास ना ब्यूटानोन है ब्यूटर ये प्रोपनोल एसीटोन ये ब्यूटानोन है चार कार्बन वाला ये अनसिमेट्रिकल है जब आप अनसिमेट्रिकल की ऑक्सीडेशन करते हैं यू हैव टू फॉलो द पॉप ऑफ रूल एंड इन दिस केस यू हैव नॉट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिक एसिड यू हैव अ सिंगल कार्बोक्सिक एसिड और इसमें जो आपके पास कार्बोक्सिक एसिड आता है दैट इज एसिटिक एसिड सारी बातों को यकजा करो सारी बातों को यकजा करो मैं तीन चार बातें आपको याद करवाना चाहता हूं नंबर वन इन चारों केसेस में चार केसेस है वन टू थ्री फोर इनमें सबसे ईजीएस्ट ऑक्सीडेशन किसकी होती है फॉर्मलहा की, की। उसके बाद अदर उसके बाद हाइड और फिर इस केस में यू हैव टू तो फॉलो द पॉप ऑफ रूल अगर हम जर्नली बात करें ना जर्नली बात करें तो मैं यहां पे यहां पे मैं एच सी एच ओ ले लेता हूं ये ऑक्सीडेशन का रूल है यानी एच सी एच ओ यानी सबसे ईजीएस्ट ऑक्सीडेशन इसकी फिर इसके एक तो ये बात आ गई दूसरी बात दूसरी बात ये जो कार्बनल कंपाउंड है स्टूडेंट ये दूसरा पॉइंट बहुत अहम कार्बोनल कंपाउंड क्या कार्बोनल कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या या ये रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या है अल्डीहाड कीटोन अल्डीहड कीटोन क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स ये दोनों ही है जब आप इनका कार्बोन कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं

क्सीडाइजिंग्बन कंपाउंड एक और पॉइंट जब आप अल्डी हाइडी यह दोनों aldehyde, जब आप अल्डीहाइडीडेशन करते हैं तो जो कार्बोक्सिकसड बनता है उसमें कार्बन आइटम की तादाद उतनी ही है जितनी अल्डीहाइड यह बहुत नुकता है लेकिन जब आप कीटोन ये कीटोन हैं जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो कार्बोक्सिक एसिड बनते हैं उनमें कार्बन एटम की तादाद कीटोन से कम होती है देखो इसमें कार्बन एटम वन टू थ्री लेकिन इनसे जो कार्बोक्सिक एसिड बने क्या उनमें तीन तीन कार्बन एटम आंसर है, है, है।, है नहीं एक में दो है एक में एक है तो उनमें कार्बन एटम की तादाद कम है इसमें देखो इट हैज फोर कार्बन एटम बट The product carboxylic acid obtained, that has only two carbon atoms. ये ये MCQ Next identification Student, identification test test Student प्रोडक्ट कार्बोक्सिकेशन ओनली टू कार्बन टेस्टेंटेंटिफिकेशन टेस्ट में से मैं कुछ नहीं aap आपसे question करूंगा और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आप मुझे आंसर करेंगे पहली sodium test, NH, sodium fossil, दो बातें पहली बात कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं जो ये टेस्ट देते आप ना ये ये बातें ना इन दोनों पे इन तीनों पे ही अप्लाई करो मैं जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तीनों पे अप्लाई करो पहली बात कौन कौन से कार्बोनल है, कंपाउंड हैं पहला ये सोडियम बाइसल्फाइड की बात करो तो हम इसमें कहते हैं तमाम एल्डिहाइड ओके okay, सारे प्लस समाल मीथाइल मीथाइल कीटोन्स ये है जो ये टेस्ट देते हैं। अब एक मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मैं कंपाउंड लिखता हूं ये है कंपाउंड C डबल बड़ सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा आंसर है ये नहीं

स्ट्रक्चर आने चाहिए जो प्रोडक्ट बनाए ना उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ये ये एक लिस्ट है, जिससे आप चीज होगा दूसरा आ गया यानी नंबर फोर पे टॉल टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट पहले तो वही बातें ऊपर वाली टॉलेंस क्या है टॉलेंस सॉल्यूशन क्या है टॉलन टॉलेंस को टॉलेंस द अमोनिया कल अमोनिया कल सिल्वर इट्रेट सोल्यूशन अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट अब ये है अमोनिया, अमोनिया। ये है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट जब इनका रिएक्शन करवाते हैं ना ये चीज वन इज द एक्टिव स्पीशी ये है ये एक्चुअली रिएजेंट एक्टिव स्पीशी ऑफ टॉल एच एन एच थ्री टेकन ट्वाइस फेडरल बुक में ये ट्वाइस नहीं लिखा हुआ तो टेकन ट्वाइस ओ एच तो बाकी ये एक्टिव स्पीशी है जो टॉलेंस रिएजेंट के अंदर मौजूद है तो व्हाट इज टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट दूसरी बात कौन से कार्बन कंपाउंड टेस्ट देते मैं, मैं आपकी यादाश्त थोड़ी बढ़ा एक बात तुमाम अल्डीहाइट ऑल एलडी हाइड यह टेस्ट देते प्लस टर्मिनल टर्मिनल अलकाइन याद करो जब हम अल्काइन का पढ़ रहे तो टर्मिनल इसके साथ। आ, वो डाई सिल्वर एसीटाइलाइट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं वो बनते तो बहर तो हम तो अलडी को जरा फोकस करेंगे तीसरी जो चीज है वो व्हाट इज फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज क्या है फिजिकल चेंज बहुत सिंपल है स्टूडेंट ये आपके पास ये, ये एक्टिव स्पीशी आ गई अब ये है आपके पास आरसीएची जब रिएक्शन ना तो ये इड इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें दिस वन इज सॉल्ट ये सॉल्ट है ना ये एसिडिक पार्ट है ये बेसिक uh, पार्ट है अमोनियम तो पार अमोनियमसाइड है ये पीपीटी के फॉर्म में ये आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना टेस्ट ट्यूब ये ये जो सिल्वर बनता है ना ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ डिपॉजिट हो जाता है इट लुक्स लाइक मिरर इट अ मिरर क्या है जीरो है. प्लस वन से जीरो का मतलब क्या हुआ रिड्यूस हो गया तो सिल्वर आइन से सिल्वर में जाकर रिड्यूस हुआ रिड्यूस हुआ लेकिन इसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया और जब यह अल्टीहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो यह कार्बन ऑक्सीकेशन में कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिक एसिड फिर बेस के साथ रिएक्शन करके इसमें sorry, aldehyde, aldehyde हो गया और ये वाला ये हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है सो इट विल एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड uh, को ऑक्सीडाइज करता है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज कैन सेटोन यहां पे लिख सकते हैं कीटोन कीटोन्स डू नॉट डू नॉट गिव दिस रिएक्शन कीटोन जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते अब आगे बढ़ो मैं फेलिंग सोल्यूशन और बेनिट दोनों को साथ साथ दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है बहुत ज्यादा देखो फेलिंग पहले वट इज फैलिंग फैलिंग सोल्यूशन है क्या कापर कापराइंग टार्टारिक एसाइड और सोडियम हाइडोक्साइड अगर मैं इसको ना ये तो मैंने लिखा अगर इसको मैं आ, आ, सेंटेंस की आ, अल्फ, अल्फाज में लिखूं अगर इसको मैं जुबान दूं तो दिस इज एन अल्कलाइन क्यूप्रिक कॉम्प्लेक्स कंप्लेक्साइन ये लफज याद करना है इधर टारिके से जब आप बेनेडिक में आते हैं तो वो सिटी के सेट बाकी क्यूप्रिक सी यू टू प्लस क्यूप्रिक ये याद रखना है सी यू टू प्लस हो सी यू वन प्लस तो ये हो गया क्यूप्रिक क्यूप्रिक और ये क्या है ये है क्यूप्रस क्यूप्रस अगर टू आए तो काफ और अगर वन आए तो सीन जब हम अलिफ बे पे पढ़ते हैं तो सीन पहले आता काफ में आता तो बारन टू थ्री में वन पहले आता तो में तो जब वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्यूप्रस जब टू होगी तो क्यूप्रिक तो दिस वन इज द क्यूप्रिक तो इधर सिट्रिक नेम ऑफ स्टडी अच्छा अब आपके पास ये बन गया पता चल गया कौन क्या है अब ये आपके पास वही इतना हिस्सा जो है ना दिस वन इज दिस वन इज कॉन्ट मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं ये एसिड है ये बेस है ए एक नुक्ता मेरा समझिएगा ये एसिड है ये बेस है टार्टारिक एसडोट ये दोनों जब एसिड और बेस मिलते हैं ना तो सॉल्ट बनता है टार्टारिक एसिड और सोडियम हाइडोक्साइड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है ना दैट सोल्ट इज कार्ड आर ओ सी एच ई डबल एल ई एस रोशले साल्ट तो हम क्या कहते हैं रोशले सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइडोक्साइड के कंबिनेशन से बनने वाला सॉल्ट रोशले नहीं है इसमें दिस इस इज कार्ड रोशले साल्ट आपने कॉपर आइन लिया आपने सोडियम लिया आपने टी एम टाटारिक एसिड इनका रिएक्शन करवाया आपके पास ये जरा बात को सुनना बात को सुनना मैं मैं अहम बात करने जा रहा हूं अहम बात ये है कि इसमें ये जो अल्डीहाइड था ये अल्डीहाइड इसमें कन्वर्ट होगा दिस इज कार्बोक्सिक एसिड ये अल्डीहाइड कार्बोक्सिक एसिड अल्डीहाइड का कार्बोक्सिक एसिड में कन्वर्ट होना दिस इज ऑक्सीडेशन दिस इज ऑक्सीडेशन इसके बरक्स ये कॉपर है ना प्लस ये यहां से इसमें कन्वर्ट होगा इधर है ये टू से जब वन में आता है ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है इसे हम कहते हैं और ये जो चीज़ बनती है असल काम की ये ये चीज़ है 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 इसका नाम क्या है? दिस इज क्यू प्लस ऑक्साइड अच्छा प्लस क्यों कह रहे प्रस क्यों निकाल निकाई प्लस वन है तो क्यू प्रस होगा क्यू प्रस है। और दूसरी अहम बात ये जो है ना दिस इज ब्रिक रेड पीपीटी ब्रिक रेड पीपीटी अब इसमें हुआ क्या सारे खेल में दो चेंजेस आ रही Q Q में कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूस हो रहा है खुद रिड्यूस होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो इसके ऑक्सीडेशन में आपके पास ये कार्बो एसिड उसका आइन बनता जाता है ये।, ये दोनों में सेम है सिर्फ इधर टारिक है ना तो इधर सिट्रिक एसिड लिख लो ऐसे लिख दो सिट्रिक एसिड तो आपके पास ही आ जाएगा सोडियम नाइट्रोक्साइड तीन च, अच्छा एक और बात एक और बात बहुत अहम वो छोड़ा जा रहा था कि और इसके बारे में दो बातें आखिरी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है ये जो ये टेस्ट देते हैं तो आंसर है एलिफेटिकल डीहाइट इसका मतलब सारे एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते हैं? नो सिर्फ एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड इनके साथ रिएक्शन नहीं देंगे

पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है क्या स्टूडेंट ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है एन ए टू एन ए टू एफ ई सी एन टेकन फाइव एनओ दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दूसरी बात कौन कौन से कौन से कार्बन कपड़ा ओनली कीटोन सिर्फ कीटोन ये टेस्ट देता है और आखिरी बात कि इसमें फिजिकल चेंज क्या थी। इसमें भी है वाइन रेड मैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन कलरेशन स्टूडेंट ये था हमारा आल एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड ये हमारा लास्ट लेक्चर था हमने एल डी एडोड की इसको हमने इस यूनिट को हमने तीन लेक्चर्स में वाइंड अप किया मेरी कोशिश होती है कि आपको एक एक चीज़ बताई जाए मेरी दुआ कि अल्लाह आप पर फजल फरमाए अल्लाह ताली आप पर कन फरमाए अल्लाह ताली आपके इलम में आपके अमल में बरकत अंदा फरमाए मैंने जो ये इलम फैलाने का जो काम किया है आप इसमें मुझे हेल्प आउट करेंगे और इस चैनल को इस चैनल को इस, चैनल को, इस केमिस्ट्री को आप तमाम लोगों तक पहुँचाएंगे अल्लाह ताली आपका हामिया असरों असल वरहमल्